जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? आप जैसे किसी एक कंज्यूमर के साथ कई बार क्या क्या हो जाता है मुझे भी आज ही पता लग रहा है। ये चीज नई चीज पता लगी थोड़ी सी मुझे, तो एक ऐसी वारंटी पॉलिसी दिखाऊंगा जो कि आपको भी शायद नहीं पता होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको समझनी होगी। आप ये सोचिए, आप एक कंज्यूमर है, आप स्मार्टफोन, वॉच या कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करते हैं, आपने बाय किया, प्रोडक्ट आप तक पहुंचा, प्रोडक्ट किसी वजह से टेक्निकल इशू है उसके अंदर, तो आप क्या करोगे? सर्विस सेंटर के पास जाओगे। आपके पास एक प्रोडक्ट कुछ दिन बाद भेजा जाता है जो कि बदल दिया जाता है, उससे मिलता जुलता ऐसे ही दे दिया जा रहा है आपको, ये कह के कि हमारे पास यही है, तो आपको कैसा लगेगा? तो एक काम करते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं भाई जिसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ, ताकि आपको बेटर पता लगे एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्फॉर्मेशन आप तक जाए। यही इस वीडियो का मकसद भी था, और कोई मकसद तो है नहीं। तो हमारे साथ अभी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम यशराज हुआ, मैं बिहार स्टेट से बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने इनसे बात करी है, मेन मुद्दा समझ लिया। इन्होंने ऑर्डर किया था एक फायरबोल्ट का वॉच, अक्टूबर में ऑर्डर किया था आपने? अक्टूबर 15th को ऑर्डर किया था, 17th को मेरे पास डिलीवर हुआ था। 15th अक्टूबर यानी कि एक से डेढ़ महीना हो चुका है। डिलीवर होने के बाद इनको ये मिला कि वो वॉच वर्क नहीं कर रही थी, उसमें कुछ इशू था। क्या इशू था? इशू ये था कि जब भी वो फोन से कनेक्टेड होता था तो हैंग करके ऑफ हो जाता था। ओके। तो उसके लिए मैंने सेम डे कस्टमर केयर को कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि आप अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर में ले जाके इस वॉच को डिपॉजिट कर देंगे, आपको उसके बदले नया वॉच मिलेगा। आपके वॉच का जो नाम था वो था फायरबोल्ट इनक्रेडिबल प्लस। मैं बिल यहाँ शो कर दूंगा, आपका नंबर हाइड कर दूंगा इनका। तो वहां पे जब जैसे जमा किया, उन्होंने क्या किया, आपको नई वॉच दी, राइट? नई वॉच मेरे को 6 नवंबर को आए थे। 20 दिन बाद इनके पास वापस आती है नई वॉच। लेकिन जो नई वॉच आई थी, एक्चुअल में वो वॉच नहीं थी जो इन्होंने ऑर्डर किया था, वो लीगेसी थी। जबकि कस्टमर केयर ने मेरे को ये भी बोला था कि आपको एक मेल प्रोवाइड होगा जब यहाँ से डिलीवर होगा, तो वो वैसा कोई मेल और ना ही कोई मैसेज कुछ नहीं आया था, डायरेक्ट मेरे पास कुरियर आया। तो मैंने एक्सेप्ट किया कि ये मेरा इनविजिबल प्लस नहीं होगा, मैं यही सोच के एक्सेप्ट किया। और उसका वीडियो है आपके पास, कोई वीडियो है? नहीं, हाँ, ओपनिंग का वीडियो है। हाँ, तो वो मेरे को दिखा देना, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। इनके पास ये वाली वॉच आ गई थी, वो जब इनके पास आती, इनको वो वॉच नहीं चाहिए था, तो आपने दोबारा जमा किया है ताकि आपको सही वॉच मिल सके, राइट? यही बता के या यही बोल के मैंने जमा भी किया था। कस्टमर केयर से बात करने पे वो बता रहे हैं कि ये फायरबोल्ट का पॉलिसी है कि जो हम दे दिए वो आपको एक्सेप्ट करना है। यही पता, यही मेन चीज लाइन थी जब इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने सोचा आप तक ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। फायरबोल्ट ने अपने सर्विस रिलेटेड ये मेंशन किया हुआ ऑफिशियल वेबसाइट पे इनकी वारंटी पॉलिसी में, इफ फायरबोल्ट नॉट एबल टू रिपेयर और रिप्लेस द प्रोडक्ट ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, फायरबोल्ट विल हैव द ऑप्शन टू ऑफर अ प्रोडक्ट विद इक्विवेलेंट फीचर्स। द डिसीजन ऑफ फायरबोल्ट इन दिस रिगार्ड, या सिचुएशन कह सकते हो आप, शैल बी फाइनल। मतलब अगर आपने एक वॉच लिया, वो वॉच में कोई इशू आता है, तो अगर आप उसको सर्विस सेंटर देते या इनसे बात करते, अगर वो ठीक नहीं कर पाते, वो क्या करेंगे, आपको एक नई वॉच देंगे जो उनके पास मिलता जुलता इक्विवेलेंट फीचर के साथ आता है, और ये डिसीजन फाइनल होगा, राइट? तो आपने क्या ये पूछा नहीं कि किस बेस पे ये लोग डिसीजन लेते हैं, क्या इनका क्राइटेरिया क्या है? तो ये बात मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला कि एमोलेड डिस्प्ले है, तो आपका वही डिस्प्ले है, उसी के बेस पे हम क्राइटेरिया पे फाइनल कर दिया। अच्छा, एमोलेड उसमें थी, एमोलेड इसमें, इसीलिए फाइनल कर दिया। नाइस। तो मैंने बोला ठीक है, तो ये क्लियर कौन करेगा कि सिमिलर प्रोडक्ट कैसे क्या क्राइटेरिया? तो बोले कि हायर अथॉरिटी से बात होगी, 48 आवर में, 24 to 48 आवर में आपको कॉल जाएगी। आज तक मैं वेट कर रहा हूँ, कभी भी वो कॉल नहीं आई है। 3 बार मैंने रिक्वेस्ट उनसे किया कि सर मेरे को हायर अथॉरिटी से बात करा दें, कोई भी कंपनी हो, और मैंने लॉ भी, लॉ के हिसाब से भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो इंडिया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1972 के एक्ट के अंदर ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ है कि कोई भी सेलर अपनी मर्जी से कस्टमर के ऊपर ये हावी कर सकता है कि हाँ आपको ये प्रोडक्ट लेना ही लेना। अगर नहीं है तो उनके पास इनविजिबल प्लस जो मेरी ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो मेरे को दे दे, नहीं है तो उससे इक्विवेलेंट, यानी कि जो मेरे जैसे 4GB स्टोरेज, इनबिल्ट गेम एंड 300 स्पोर्ट्स मोड्स, ये सब वाले इक्विवेलेंट फीचर्स के साथ अगर हमको प्रोवाइड करें तो मेरे को कोई इशू नहीं है। मेरे भी ओपिनियन में यहाँ पे फायरबोल्ट को 2-3 डिसीजन ले सकते हैं, इनको सेम वॉच मिलनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं आपके पास किसी वजह से सेम वॉच नहीं मिलती, हालांकि ये वॉच अभी भी अमेजोन पे मिल रही है, हर कलर में मिल रही है, चलो ये भी मान लेते हैं सेलर तक स्टॉक जा चुका है, किसी वजह से इन पे खत्म हो गया, बट सेम सिचुएशन में आप इनको पैसा रिफंड कर सकते हैं, चलो ये भी मान लेते हैं। कोई ब्रांड बिजनेस कर रहा है, पूरा पैसा कैसे रिफंड कर देगा? अगला सोल्यूशन ये है कि आप एक कूपन कोड प्रोवाइड कर सकते हो,
वो कूपन सेम अमाउंट का, जितने अमाउंट का इन्होंने वॉच खरीदा था। इस तरीके से ही बेसिकली एक अच्छे ब्रांड को बिहेव करना चाहिए। तो मैंने ना यहाँ पे खुद ही फायरवॉल को कॉल किया हुआ है, इनका कंप्लेन नंबर ले लिया मैंने यशराज जी का, सेम मतलब मैं यशराज जी बन के बात करूंगा। गुड इवनिंग, वेलकम टू फायरवॉल। गुड इवनिंग, मेरा नाम यशराज है। हाँ, मैं आपको अपना नंबर शेयर करता हूँ, कंप्लेन नंबर, इट्स PAT 72। इशू ये है कि मैंने एक वॉच दिया, वॉच बाय किया था फायरबोल्ट का, तो ये काम नहीं कर रही थी। मैंने सर्विस सेंटर में वॉच को जमा करा दिया था, उसके बाद इशू ये हुआ मेरे पास, आप लोगों ने 15-20 दिन बाद दूसरी वॉच भेजी डायरेक्ट मेरे एड्रेस पे, जो कि वो सेम वॉच नहीं थी। क्या होता है सर कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही रहती है, आपको क्वालिटी चेक करके आपका ही प्रोडक्ट सेम मॉडल सेम कलर वाला आपको दे दिया जाए। लेकिन अगर इनकेस सर ज्यादा ही हाई रेट हो रहा है और हाईलाइट हो गया, ठीक है, हाई टाइम हो गया, ठीक है, और ज्यादा ही मन से अगर स्टॉक में आ रहा ही नहीं है वो, तो फिर एज एन अल्टरनेट ऑप्शन आपको वॉच है ना प्रोवाइड कर दी जाती है। हमसे तो पूछ लीजिए कि हमें कौन सी चाहिए, आपने हमसे पूछा नहीं, अपनी मर्जी से भेज दे रहे हो। कोई रिप्लेसमेंट में आता है वॉचेस, कोई फ्रेश वॉचेस आता है, तो जैसे सर इनिशिएट होता है ना जो स्टॉक्स में रहते हैं ना, तो वैसे सर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मुझसे तो पूछ लिया जाए ना, आप मुझे एक काम क्यों नहीं कर सकते, आप कूपन कोड दे दो मुझे, मैं वही कूपन कोड लगा के फायरबोल्ट की वॉच ले लूंगा दूसरी। तो इससे तो सर फायदा आप ही का है ना, दुकान तो आप ही की चलेगी ना, आई मीन सॉरी बिजनेस। info@boltcom इसमें ना ये सर प्रॉपर सीनारियो है ना, आप लिख लीजिए कि ऐसा ऐसा कंसर्न है और कस्टमर सर्विस सेंटर वाले ऐसा ऐसा बोल रहे करके, तो क्या होगा सर ये पूरा डायरेक्टली है ना हमारे पास नहीं, डायरेक्ट जो हमारे सीनियर अथॉरिटी है ना उनके तरफ जाएगा और उनके तरफ से ही आपको वैसा एक्नॉलेजमेंट और प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग आपको मेल आ जाएगा। 4400 की वॉच है भाई, 4500 की वॉच, सर ये हायर अथॉरिटी से मेरी बात करवा सकते हैं आप? नहीं ना सर, जो है उनका प्रॉपर मेल पे होता है। नहीं, मैं जो बताने जा रहा हूँ सर आप अच्छे से हाईलाइट कर दीजिएगा, मैं वैसे यशराज जी का जानकार भी नहीं हूँ, मैं यशराज जी का दोस्त भी नहीं हूँ, मैं यशराज भी नहीं हूँ, लेकिन उन्हीं के प्रॉब्लम बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। उनको ये जो प्रॉब्लम है, उनको बार बार घुमाया जा रहा है, पिछले 1.5 महीने से उनको वॉच उनके ब्रदर ने एज अ गिफ्ट दी थी और वो परेशान है। मैं नाम भी बता देता हूँ अपना, नाम है मेरा ज्ञान थेरेपी। ये जो पूरा अनुभव है ये मैं आने वाली वीडियो में भी शेयर करने जा रहा हूँ, इनफैक्ट हम लोग कैमरे पे ही हैं। मैं चाहूंगा कि ये जो मैंने आपको नंबर बताया इनकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द अगर आप ठीक कर देंगे तो सर अच्छा रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर की अगर आप हेल्प करते हैं ना तो ही कोई ब्रांड बड़ा बनता है। प्रोडक्ट बेचना तो बहुत आसान है ना, बाकी आप ज्ञान थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा, काफी कुछ आपको पता लग जाएगा। कोई भी हो, आप फायरबोल्ट हो, कल को कोई नॉइज हो, बोट हो, बोल्ट हो, कुछ भी हो, आप लोगों को कंज्यूमर को मजाक में नहीं लेना यार। 4500 रुपए की वो स्मार्ट वॉच ले रहा, जो कि स्मार्ट वॉच है भी नहीं, आप भी जानते हो। मैं नेक्स्ट वीक तक उनके पास कॉल करूंगा, आई होप उन तक उनकी वॉच या फिर उनका रिप्लेसमेंट या फिर उनको कूपन कोड मिल चुका होगा। धन्यवाद। प्रोडक्ट है, कार हो, बाइक हो, स्मार्टफोन हो, वॉच हो, कुछ भी हो, प्रॉब्लम किसी में कभी भी आ सकती है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समटाइम्स। तो मैंने तो फायरबोल से बात किया है, उन्होंने कहा है भाई ईमेल वगैरह कर दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं सॉल्व होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा ब्रांड खुद का नहीं है तो मैं नहीं चेंज कर सकता, बट फायरबोल्ट को या किसी ब्रांड ने जिसने ऐसी पॉलिसी बनाई है उनको इसमें चेंजेस करने चाहिए भाई। आप उनको कूपन दीजिए, चाहे रिफंड दीजिए, चाहे सेम प्रोडक्ट वापस करिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।